आप देख रहे हैं व्लॉग नंबर 14। तो आज का व्लॉग इसलिए स्पेशल है क्योंकि मैं पहली बार अपने लाइफ में फर्स्ट क्लास ट्रेन में जाने वाला हूँ। कैसा रहता है इंटीरियर, आई हैव नो आइडिया टू बी ऑनेस्ट, और आई एम एक्साइटेड एट द सेम टाइम। और मैं बनाने वाला व्लॉग उसके इंटीरियर पे ट्रेन की डिस्क्रिप्शन रहेगी, मेरा एक्सपीरियंस रहेगा और बहुत ही शानदार व्लॉगिंग होगी। सो इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू मिस आउट ऑन द फन, डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू। नौ बज के 15 मिनट हो चुका है, टाइम निकल चुका हूँ मैं स्टेशन के लिए। रेडी एक घंटा टाइम है, हम 9:15 में निकल चुके हैं और 10:13 में करीब ट्रेन खुलने वाली है। हमें और देर से निकलना चाहिए था क्योंकि स्टेशन जो है काफी पास है। गाइस ये फाइनली HA1। तो आपका फर्स्ट क्लास में क्या पोजीशन रहता है, कैसे कैसे बैठते हैं लोग? मैं पहली बार जैसे आ रहा हूँ। अच्छा, तो बेसिकली टू टायर में जैसा रहता है वैसे ही? बस केबिन, इसमें बस ये दरवाजा केबिन दे दिया थोड़ा सा। और एडिशनल क्या फैसिलिटीज होती है आपका इसमें? चादर तो आपका थ्री टायर में मिलेगा, अलग से कर रहता है। और बेल बेल बजाने पे काम मतलब कोई आता है? तो है नहीं, कोई नहीं है। अभी कोरोना में मील का क्या चल रहा है? मील तो इसमें पंट्री है नहीं। अच्छा, पैंट्री नहीं है। आज मैं सैर कराने वाला हूँ
आप लोगों को फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। सबसे अच्छी बात है कि मेरे कंपार्टमेंट में और कोई नहीं है मेरे साथ, आई एम ऑल अलोन, तो मैं काफी अच्छी ब्लॉगिंग कर पाऊंगा। सारा डिटेल, सारा स्पेसिफिकेशन आपको मिलेगा इस ब्लॉग में। अंत तक देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना तो ना ही बोलो। चलो शुरू करते हैं ब्लॉगिंग। इस वक्त मैं हूँ ट्रेन के फर्स्ट क्लास एसी कंपार्टमेंट में और इसको देख के मुझे सेम फीलिंग आई जैसे कि हैरी पॉटर मूवी में आती थी, तो जैसे वो ट्रेन में जाते थे। तो काफ़ी अच्छा लगा इंटर करते ही, वो लेदर वाले पहले। तो किसी भी ट्रेन की फर्स्ट क्लास कोच कैसी होगी, फर्स्ट क्लास एसी कैसी होगी, वो डिपेंड करता है कि ट्रेन कितनी नई या पुरानी है। शक्ति पुंज एक्सप्रेस है, ये काफ़ी पुरानी ट्रेन है। होगा बाहर से ट्रेन ज़्यादा नई वैसी नहीं लग रही है, तो मेंटेनेंस के वैसे यहाँ कुछ हद तक और उतनी एडवांस ट्रेन नहीं है। तो जैसे कि पिछला व्लॉग हमने किया था वंदे भारत की तरह, तो वैसे फीचर्स नहीं मिल रहे हैं, खास करके टॉयलेट। मैं ये नहीं कहूँगा कि टॉयलेट काफ़ी गंदा है, वंदे भारत में 1% टॉयलेट थे, तो ये फीचर्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, लेकिन वैसे नीट एंड क्लीन है। बट पूरा तो ये नंबर हो गया कोच का सीक्वेंस, यहाँ पे मेरे टिकट में मेंशन था जो कि 17 नंबर था ये कोच। कलर्स मुझे काफी पसंद आए, यहाँ पे भी काफी कंफर्टेबल लग रहा है। क्योंकि आपको कोई ओवरऑल सोफा के साथ में जब मैच हो रहा है तो काफ़ी सुपर लुक आ रहा है, थोड़ा सा क्लासी लग रहा है। और इस तरह भी सेम ही आपको देखने को मिलता है नीचे में, ये फोकस्ड ऊपर और एक सेम दूसरी तरफ यहाँ पे। इस कोच में जब मैं आया था तो सीट्स ऐसी नहीं थी, तो ओरिएंटेशन कुछ और था। जैसे कि मैंने बताया था कि क्यों ये सिर्फ दो लोगों के लिए नहीं, क्योंकि आपको थर्ड और फोर्थ पर्सन के लिए बेड यहाँ पे दी हुई है। लगाने के बाद कमरा कुछ इस तरह का दिखता है, इस तरह का। यहाँ पे आपको फैन के लिए स्विचेस, यहाँ पे सारे लाइट्स के स्विचेस, बॉटल रखने की जगह। कोविड के वैसे यहाँ पे कर्टेंस होने थे लेकिन कर्टेंस नहीं है। सोफ़ा का जो इतना मोटा सा स्पेस लेता है तो आपकी बेड ज़्यादा जगह नहीं ले रही है, आपका कॉमन स्पेस जो था उतना का उतना रह गया, क्योंकि ओवरऑल एक्सटेंशन आपकी सीट सोफ़ा वाली सीट की जितना ही है बेड की सीट। फ़ायदा आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो इतना थिकनेस था वो सीट के बैक सपोर्ट का था और वो अभी ही नहीं है, सिंगल बेड जितना ही है।